हाथरस कांड में सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई लगातार मेहनत कर रही है। पीड़ित आरोपियों चश्मदीदों सबसे बातचीत कर रही है, सबसे पूछ रही है कि आखिर सच्चाई क्या है, साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। इस बीच पीड़िता के भाई ने कहा कि उसका परिवार चाहता है कि केस को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। भाई ने कहा कि हम लोग खुद भी चाहते हैं कि दिल्ली शिफ्ट हो जाए और सरकार को इस बारे में हमारी मदद करनी चाहिए, हम उन पर आश्रित हैं। पीड़ित के भाई ने कहा कि हम जहां कहीं भी रहेंगे बस सुरक्षित रहने चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर शिफ्ट होने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर से पीड़िता के भाई ने कहा कि सरकार को हमें बाहर शिफ्ट करना चाहिए और हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। उनका कहना था कि इस केस को भी दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक इस मामले में उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी बेटी की अस्थि भी विसर्जित नहीं करेंगे। यानी पीड़ित परिवार किसी भी हालत में अब हाथरस के बोलगढ़ी गांव में नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि उनको भी और केस को भी दोनों को दिल्ली शिफ्ट किया जाए और सरकार इसमें मदद करे। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।